तो वही वाली बीमारी लगी हुई है। एक बार ठीक है, दोबारा लगी दोबारा क्यों नहीं लग सकते? रियल फैक्ट है तो बीमारी दो दो बार लोगों को कोरोना हो गया, प्यार दोबारा क्यों नहीं हो सकता? पहली गलती को सुधारा जा सकता है, पहली गड़बड़ हो जाए तो दोबारा सुधार लो। हाँ जी, आपकी फिल्म को लोग क्यों देखें, क्या यूएसपी मानते हैं? इसमें जो दोबारा प्यार आपने पूछा, लड़की कैसे अपने प्यार के लिए, प्यार केवल पाना नहीं है, उस आपको स्टोरी का अगर थोड़ा सा पता हो, लड़की जिसको प्यार करती है उसके इलाज के लिए अपनी मर्जी के खिलाफ जाके, अब मैं सुनाने जाऊंगा तो सारी स्टोरी डिक्लेयर हो जाएगी। काफ़ी कुछ है इसमें, सेक्रीफाइस है। और पूछो, फिल्म में पूरा सैक्रिफाइस ही दिखाया गया? बहुत नहीं, बहुत कुछ है। कौन-कौन से इमोशंस हैं, किस तरह से आप सिनेमा के रुपेले पर्दे पर उसको उभारेंगे, लोग क्यों अट्रैक्ट होंगे? आज लोगों को इंस्टेंट सारी चीजें चाहिए, रोमांटिक फिल्में नहीं चलती इस दौर में, आपने इस तरह की फिल्म लाई है, क्यों देखेंगे लोग? हेमंत जी, ऐसा होता है, रोमांटिक फिल्म चल रही है आज? नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखिए, मैं तो आपको देखिए, मैं तो कलाकार के तौर पे आपको बोलूं, मैं अपने डायरेक्टर साहब का, अपनी टीम का, अभिषेक का और अवनी का, पवन का, सबका, वो दोस्त होने के नाते हम एक साथ दे रहे हैं, क्योंकि आज का दौर जो सिनेमा का है उसमें कॉरपोरेट के अलावा हर किसी का पनप पाना या पैदा होना या जिंदा होना बहुत ही मुश्किल काम है, जो आप सब लोग जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति पिक्चर बना रहा हो और आपके आसपास का हो तो उसको हम सब ने ही सहयोग देना है, क्योंकि नहीं तो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर ख़त्म ही हो जाएगा पूरी तरह। जबकि हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं था, कहीं से भी कोई आदमी आकर के पिक्चर बनाता तो बहुत सारी पिक्चरें बनती थी, तो ये क्रम हमेशा बनता रहे, चलता रहे, और ऐसे में कोई अच्छी फिल्म निकल के आ जाए तो वो फिर इतिहास भी गढ़ती है, क्योंकि हर चीज़ का समय होता है, कॉमेडी का एक दौर आता है, फिर एक्शन का एक दौर आता है, फिर रोमांस का एक दौर आता है, वो समय सब आप सबने देखा है, हमने भी देखा है। तो मैं तो सिर्फ शुभकामनाएं के तौर पे पूरी टीम को, सारे कलाकारों को बड़े ऊर्जा के साथ आप लोगों को कह रहा हूँ कि इसको ईश्वर के आशीर्वाद से और अपने मेहनत से इसको शुरू करिए, तो अच्छा पिक्चर बनाएंगे तो लोगों को डेफिनेटली अच्छा लगेगा। वो आप सब आप लोग बताइए भाई, कब से है, क्या है, हमको मई की डेट मांगी गई है, आप बताइए। उत्तराखंड में भी प्लान किया हमने, फाइनल लोकेशन अभी सेलेक्ट करना बाकी है, देखा है लोकेशन, अभी तक टाइम है तो शूट तो देखते हैं। सारी फिल्म का उत्तराखंड में होगी? हाँ। उत्तराखंड को छोड़ने के पीछे क्या खास वजह है? उत्तराखंड की ब्यूटी है, उत्तराखंड की खूबसूरती है, क्योंकि हम जैसे प्यार को खूबसूरती मानते हैं, तो उत्तराखंड की जो पहाड़ें हैं, वादियाँ हैं, उससे बेहतर क्या हो सकता है, वहाँ खुद को दिखाने का। आजकल फिल्में कहीं ना कहीं प्रोमो पर शूट हो रही है, लव दोबारा का मीनिंग रखने का यही रीजन था कि प्यार वापस हो सकता है क्या, अगर आप पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं तो वापस प्यार हो सकता है क्या, वही पूछते हमारे कहानी तो बहुत मौज लेते हो यार तुम लोग। कोई है जिसको लव दोबारा हुआ है आप लोगों में से, किस तरह से सबको कौन बताएगा? सर आगे सबको ही हुआ है, ठीक है, कैमरास के सामने और एक और कहने वाला, जब हम स्कूल में होते हैं तो आप लोगों को चलो शूटिंग में, चलो शूटिंग में, चलो तुम बजट वगैरह
सिनेमा घरों में रिलीज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है ऐसे में। फिल्म अच्छी है, कहानी अच्छी है, बजट का बात करते हैं। किसी को रूप जी बताओ भाई, इतना चाहिए हॉट है तो डायरेक्टर सर ही बताएंगे। कौन है फिल्म की लीड एक्ट्रेस? कौन है? शुजिता घोष इज द लीड एक्ट्रेस, देन वी हैव अनु सैनी एंड बादल राज। दिस इज अ ट्रायंगुलर थिंग दैट वी आर डूइंग राइट नाउ एंड इट्स अ वुमन सेंटर्ड स्टोरी टू बी ऑनेस्ट। तो इन हिंदी सिनेमा मोस्टली द मूवीज वी सी इन लव स्टोरीज आर बेस्ड ऑन लाइक मेल पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज द मूवी दैट वी आर डूइंग ऑन अ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? So that's why we have two heroes. I don't want to say more about the story because then we'll leak a plot to you. So uske alawa if you have something to ask, by the way, Uttarakhand is a very beautiful place. There's nothing better to do, explore basically. Right? You can beautify this and according to the Dr. Bagal thing. So the point is ki, of course she's beautiful and the role is, the role is to magnify her beauty in the movie. Thank you so much. So all hands to the director now. मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से, सर फिल्म में ज्यादातर अधिकतर स्टार कास्ट इतनी जानी पहचानी नहीं है, कुछ खास कारण? क्योंकि कहीं ना कहीं फिल्मों को बेचने के लिए एक बड़ा चेहरा की बहुत आवश्यकता होती है आज के दौर में, कैसे बेचेंगे सर आप? सर ये सब जवाब हमारे प्रोड्यूसर साहब को बताइए। प्रोड्यूसर साहब उत्तराखंड में लोग प्लान कर रहे हैं शॉट के लिए और कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मैं जो, तो इन्होंने जो मुझे वो पॉलिटिकल पॉलिटिशियन किरदार इसमें मैं निभा रहा हूँ उसमें हमारे दीपराज राणा और मैं साथ में होंगे और इन इस वक्त मैं 19 तारीख को हमारी एक पिक्चर आ रही है लव यू शंकर, श्रेयस तलपड़े और मैं उसमें, और आजकल मैं इसकी शूटिंग कर रहा हूँ वेलकम टू द जंगल। और जो आप वर्चुअल वाली बोल रहे हैं विक्रम भट्ट जी की जो हॉन्टेड 2 है उसमें भी एक बहुत बढ़िया किरदार कर रहा हूँ। और ये तो गर्मियों में उत्तराखंड जाने का मौका मिला है तो छुट्टी मना के आने दीजिए बस। थैंक यू। मैम आप किस तरह से इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं इसके बारे में कुछ आप शेयर करेंगे? आपने मेरा नाम ज्योति गाबा है और मुझे 25 साल हो गए इंडस्ट्री में। मैंने करीबन 600-700 के ऊपर एड्स किए हैं, टीवी शोज 12-14 साल से कर रही हूँ एंड फिल्म्स मैंने की है गिनी चुनी। मेरी अभी फिल्म रिलीज़ होगी इसी मंथ मैं लड़ेगा और नेक्स्ट मंथ मैं उत्तराखंड जा रही हूँ लव दोबारा फिल्म शूट करने के लिए एंड बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि उत्तराखंड में शूट करूँगी। अच्छी जगह पर हम जा रहे हैं। सो लोकेशन इज़ ब्यूटीफुल। मैं हीरोइन की मॉम का किरदार निभा रही हूँ, कैरेक्टर नाम मेरा है रोहिणी। बहुत ही लविंग पैशनेट केयरिंग मॉम हूँ मैं फिल्म में। उससे ज़्यादा मैं अब नहीं रिवील करना चाहूँगी अपने कैरेक्टर के बारे में। मैं भी अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दूँ क्या? तो मेरा नाम रूप दुर्गापाल है और मैंने अपने करियर की शुरुआत बालिका वधू सीरियल से की थी, आई थिंक आप लोगों ने सुना ही होगा। और उसके बाद मैंने 13-14 टीवी शोज़ किए, स्वरागिनी, कुछ रंग प्यार के ऐसे थी, तुझसे है राब्ता, और अभी मैं वेब सीरीज़ कर रही हूँ, फिल्म कर रही हूँ। ऑब्वियसली प्रकाश झा सर के साथ मेरी पहली वेब सीरीज़ बहुत जल्द आप लोग देखेंगे, उसमें नाना पाटेकर भी हैं और मैं दिशा नयू के ऑपोजिट हूँ। और एक दूसरी मेरी वेब सीरीज़ कैंपस बीट्स ऑलरेडी ऑन एयर है अमेजोन पे एंड नेक्स्ट इज लव दुबारा। हो गया। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद।